नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। सीधी जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। विगत 13 मई को एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसकी पहचान न होने के कारण जमुई थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया। किंतु जिले के ही बैरी थाना अंतर्गत ग्राम रमडीह अमरपुर के कुछ लोग अपने परिवार के सदस्य ब्रजेंद्र गौतम उम्र 47 वर्ष की खोज करते हुए 14 तारीख को जमुई थाना पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश कल ही दफनाई गई है। उक्त व्यक्ति की फोटो व कपड़े परिजन को दिखाए गए, जिसको देखकर परिजनों द्वारा अपने परिवार के सदस्य की शिनाख्त की गई। तहसील गोपद वनास की अनुमति एवं नायाब तहसीलदार दीपेंद्र तिवारी, डीएसपी मयंक तिवारी एवं जमुई थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा एवं परिजनों की उपस्थिति में दफन शव को निकाला गया। साथ ही मृतक के परिजनों द्वारा आक्रोशित होकर पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में अज्ञात शव की जानकारी नहीं दी गई, ना ही मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई। अगर जानकारी दी जाती तो हम लोग शव को ले जाते और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते। वहीं पुलिस द्वारा कहा गया कि 24 घंटे तक शव को पहचान करने के लिए रखा गया था और शव खराब ना हो उसके लिए उसे दफना दिया एवं हमारे द्वारा जिले के सभी थानों में व तहसील में जानकारी भी दी गई थी। बहरहाल जिले में अगर डीप फ्रीजर की व्यवस्था है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर खराब है तो उसका जवाबदार कौन है? इस घटना का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती रहेगी? सीधी से ब्रिजेश पांडे की रिपोर्ट। ये जो घटना देखने मिल रही है, इसमें आपका आरोप क्या है? आरोप ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ, इनका कहना है कि एक्सीडेंट हुआ किसी तीसरे आदमी के द्वारा इनकी सूचना दी गई, उसका नाम बताते हैं राम रतन साकेत। क्या रिपोर्ट किया ये उसको बुला के नहीं बता रहे हैं। फिर 100 डाल बॉडी को उठाती है, बॉडी जिंदा थी कि मुर्दा थी ये वो बता नहीं रहे। कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है नहीं कि मेरे यहाँ कोई आया 100 से। फिर बोलते हैं कि मैं चौकी में सूचना दिया, अस्पताल चौकी से भी कुछ कथन नहीं बता रहे हैं। कब तक वहाँ रखे थे, कब ला के मर्चरी में रख दिए और सूचना के लिए क्या विधिवत कार्यवाही किए, सब इनके बयानों से कट रहा है। अबे 4 बजे 24 घंटे के बाद दफना देते हैं, इतना रिकॉर्ड ये बता रहे हैं मैं 4 बजे दफनाया। पंचनामा में बताते हैं कि मेरे यहाँ जो कर्म वृत्त थे, वृत्तों का मैं पंचनामे ले लिया। अब इसमें क्या शंका होती है, क्या लगता है आपको किसमें पुलिस प्रशासन या जो पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है, उसकी मैं कट निंदा करता हूँ। नहीं तो इसमें क्या लगता है कि हाँ ये एक्सीडेंट के बाद जिंदा थे हॉस्पिटल में भी, तो शंकास्पद बात है भाई। मेरा कहना है कि जिंदा था, और जिंदा था तो हॉस्पिटल में एडमिट करते, मुर्दा था तो हॉस्पिटल क्यों ले गए, और ले गए तो मर्चुरी में रख के क्यों रख दिए? जब पहली चौकी आपको पड़ी वहाँ जमुई, सेकंड चौकी अस्पताल पड़ रही है, अस्पताल की चौकी, दोनों चौकियों से आप कार्यवाही नहीं लिए, डॉक्टर से मृत घोषित आप नहीं करवाए और ला के मर्चुरी में रख दिए। फिर कहते हैं कि हम डॉक्टर को मैं भेजा हूँ कि जाओ पीएम करो। या उसकी सूचना है कि जैसे इन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो वहाँ पे 1-10 रुपए का वो कटता है, वो कुछ नहीं है, कोई सूचना नहीं, कोई प्रूफ कुछ नहीं। खुद बता रहे कि कुछ नहीं किए। मृतक का नाम पता क्या है? मृतक का नाम है ब्रजेंद्र कुमार गौतम। अशोक स्तंभ लगा के आया हूँ, ऐसे नहीं आया। ये पता है, लेकिन ये जो हुआ है ये कोई सोशल बुद्धि चाल से हुआ है, इसमें पक्का सोची समझ चाल से सब हुआ है, ये कोई ऐसे नहीं हुआ है। ये यहाँ पर जो केस किया है वही ले आगे डेड बॉडी आपको हैंड ओवर किया, गाड़ी से एक्सीडेंट किया और वो अपना काम बंद करके चला गया। आप पुलिस वाले मिले हुए हैं? पुलिस वाले मिले हुए तो हमको डॉक्टर दिखाई, एविडेंस दिखाए, मुझे एविडेंस दिखाए।
चलो ठीक है, अभी आप जो कार्रवाई करिए, लेकिन ये है कि ये इसको कमेटी से पीएम कराना है। हमें एविडेंस चाहिए। जी सर, आपने कहीं हर चीज का एविडेंस चाहिए मुझे। मैंने इन्फॉर्म किया, खाली नहीं बैठा, कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस मीडिया को आप नहीं। सर ऐसा नहीं है, पहले ये कार्रवाई करना या नहीं करना? करना है सर, जरूर तो ये पहले नहीं करना है। ये जो भी बात है वो तो जो हो चुकी है, सब कार्रवाई में आ जाएगा। आप जो है FIR लिखने तक के लिए तैयार नहीं थे? अरे आप इधर सुनिए, मर्ग पंजीबद्ध है, उसमें मर्ग पंजीबद्ध है, ठीक है। लेकिन ये भी है ना कि कौन सी गाड़ी किया क्या है वो तो देखना चाहिए, वहाँ पर पूरी गाड़ी के पार्ट पड़े हैं। अभी प्रायोरिटी क्या, पहले वो करना, वो काम करना। ये एक्चुअली हुआ था परसों, घटना शाम के एक्सीडेंट की है। तो परसों जैसे ही अज्ञात सबसे पहले भोपाल फोन किया, डायल 100 के थ्रू बॉडी उठाई गई, फिर बॉडी यहाँ लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी मृत थे इसलिए सीधे बॉडी यहाँ रखवा दी गई। थाने में हल्की सूचना जारी की गई, उस टाइम पर कोई क्लेम नहीं किया, तो इसको फिर डिकम्पोज करवा दिया गया था। अब वापस है, इन्होंने घर वालों ने क्लेम किया, परिवार इनकी डिमांड थी कि दोबारा इनके पास फिर से पीएम कराया जाए। तो उनको समझाया गया कि पीएम एक बार ऑलरेडी हो चुका है, और पीएम में जो रिपोर्ट पहले आई थी आपकी रिपोर्ट में और भी कम हो जाएगा, बॉडी 3 दिन से पड़ी हुई है। तो सब सहमत हो गए, उनको समझाया गया जो भी आगे जाँच प्रक्रिया है, जो इनके संशय थे वो भी हम करवाएंगे, और जैसे होगा तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि हम एक्सीडेंट हुआ है, हमको सूचना हुई, हम हॉस्पिटल पहुँचाए, लेकिन कागजात नहीं मिल रहे हैं। सारे कागजात है तो कोई आप मौके पर हम लेके आएंगे नहीं, आप समय दीजिए, हम सारे कागज आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो पीएम का हो, चाहे वो बैंक जो भी कागज, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। मैं उनसे वही समझाऊँगी, आप हमको यहाँ से जाने देंगे जितना जल्दी उतना बढ़िया कार्रवाई होगी, और अब हम कार्रवाई में करने जा रहे हैं, बस यहाँ सारे इकट्ठा करके इनको पीएम रिपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, पंचनामे कॉपी प्रोवाइड कराएंगे। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि देखरेख और मेडिकल इमरजेंसी न मिलने के कारण मृतक हुआ है। डायल 100 में जो लेके आए थे उनके द्वारा खुद बताया जा रहा है कि ऑलरेडी मृतक थे, तो उसका जो प्रोसीजर वो पुलिस द्वारा प्रॉपर फॉलो किया गया, कहीं भी किसी तरीके कोई लूप होल नहीं है। और अभी भी उनको संशय है, तो उन्होंने उनको बताया कि हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे, आप हर कार्रवाई के हर पक्ष में अपन से मिल सकते, बात कर सकते, जिनके जो भी डाउट होंगे हम क्लियर करेंगे सब कुछ।